Hey guys, this is Jay. Welcome to Kilometers Unlimited. So recently मुझे एक कमेंट आया था अभिराम के नाम से. तो अभिराम सर का ये कंसर्न था कि सिंगल लेन रोड है, अगर 80 की स्पीड है लेट से और अचानक शार्प टर्न आ जाता है तो कार को कैसे कंट्रोल करना है. ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे. तो पहले तो हम लोग ट्राई करेंगे ये सिचुएशन अवॉइड करने के लिए, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो आपको देखना है साइन बोर्ड्स के लिए. साइन बोर्ड्स पे मेंशन किया होता है अगर स्पीड ब्रेकर है या फिर शार्प टर्न है तो हम लोग को पता चल जाता है, तो पहले से हम लोग स्पीड को उस हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं. दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि लेट से अभी अभी रोड स्टार्ट हो गया है, सिंगल लेन रोड आपका स्टार्ट हो गया, आपके लिए अननोन रोड है, तो डायरेक्टली स्पीड को इंक्रीज नहीं करना है. कितना भी अच्छा रोड है, टारमैक रोड है, अगर ट्रैफिक कम है, फिर भी स्पीड जो है 40-50 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सिंगल लेन रोड का कोई भरोसा नहीं होता है. कब कोई स्पीड ब्रेकर आ जाएगा, कोई पॉट होल आ जाएगा, तो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. इसीलिए क्या करना है, लेट से 30-40 मिनट्स आपने चला लिया, तब आपको एक जजमेंट आ जाएगा कि कितने डिस्टेंस पे स्पीड ब्रेकर है, कोई पॉट होल है नहीं है, तो तब आप 70-80 तक लेके जा सकते हो. ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है. ऐसे ही सिंगल लेन रोड था और 70-80 की स्पीड पे था और अचानक स्पीड ब्रेकर आ गया, तो मुझे पता नहीं था तब कि कार को कैसे कंट्रोल करना है. तो जो गलती मैंने की है मैं चाहता हूँ आप ना करो. ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे मेन कंसर्न के बारे में. 80 की स्पीड है, अचानक शार्प टर्न आ जाता है, तो कार को कैसे कंट्रोल करना है. तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करेंगे. अब इंजन ब्रेकिंग क्या होता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कि इंजन ब्रेकिंग को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा यूज़ करने के लिए. तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक तो यूज़ करेंगे, लेकिन ब्रेक के साथ हम लोग क्लच भी यूज़ करेंगे और गियर डाउन करेंगे. अब इसका मतलब ये नहीं कि फिफ्थ गियर से डायरेक्टली आप फर्स्ट या सेकंड गियर पे आ जाओगे, क्योंकि फिफ्थ से डायरेक्टली अगर सेकंड गियर पे आ गए तो आपका आरपीएम बहुत ज़्यादा शूट होगा, अननेसेसरी स्ट्रेस डालोगे आप इंजन पे, गियर बॉक्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं. तो ये हम लोग को अवॉइड करना है. हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस में गियर डाउन करेंगे, फिफ्थ से फोर्थ, फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड, ऐसा सीक्वेंस में हम लोग को गियर डाउन करना है. ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ है. सबसे पहली चीज़ है, तो सबसे पहला सिनेरियो जो है उसमें क्या है कि फिफ्थ गियर है, मान लो 80 की स्पीड है, आपने ब्रेक प्रेस किया, स्पीड जैसे कम हुआ 30-20 तक आने पर आपने सेकेंड गियर डाल दिया, तो ये हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आरपीएम शूट नहीं होगा. 20-30 की स्पीड है सेकेंड गियर पे, तो आरपीएम शूट नहीं होगा, तो ये हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं. अब दूसरा सिनेरियो जो है उसमें क्या हो रहा है कि फिफ्थ गियर पे है, 80 की स्पीड है, और डायरेक्टली आपने क्लच प्रेस करके सेकेंड गियर डाल दिया. अब सेकेंड गियर पे 80 की स्पीड, तो आप सोचो कि आरपीएम कितना ज़्यादा शूट हो रहा है आपका, क्योंकि सेकेंड गियर का जो रेशियो होता है वो 20-40 तक का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन 80 तक तो बिल्कुल नहीं जा सकते हम लोग. ठीक है, गियर रेशियो पे ऑलरेडी एक वीडियो है चैनल पे, तो वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको एक डिटेल में आइडिया आ जाएगा कि गियर रेशियो कितना आप लेके जा सकते हो, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, जो भी है. ठीक है, तो अब आपको मैं एक डेमो करके बता देता हूँ, लेकिन डेमो से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कर दो, कोई बात नहीं. ठीक है, तो डेमो स्टार्ट कर दे. यहाँ पे मैं यहाँ पे लेग्स का भी कैमरा ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, तो आपको फुटवर्क दिख के आ जाएगा. कैमरा मैंने ऑन किया, यहाँ पे प्रॉब्ली मैं ट्राई करूँगा आपको गियर लीवर अगर विजिबल हो रहा है. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अभी कार तो ऑफ है, इंजन ऑफ है, तो आपको सिर्फ बताना है कि हम लोग को कैसे अप्लाई करना है ये इंजन ब्रेकिंग. तो मैं क्या करूँगा, लेट से फिफ्थ गियर है, ये फिफ्थ गियर है, ओके. अब मैंने क्या किया है कि अब ब्रेक के साथ हम लोग क्लच भी प्रेस करेंगे. क्लच प्रेस किया, ये मैंने फोर्थ गियर डाल दिया, क्लच को रिलीज किया, अगेन क्लच प्रेस किया, ये थर्ड गियर डाल दिया, क्लच को रिलीज किया, और एक बार बताऊंगा. ठीक है, अब ये मान लो फिफ्थ गियर पे है गाड़ी, 80 की स्पीड है हमारी, ये मैंने क्लच और ब्रेक प्रेस किया, फोर्थ गियर डाल दिया, क्लच रिलीज, क्लच प्रेस किया, थर्ड गियर डाल दिया, क्लच रिलीज, बस यही करना है हम लोग को. सो अब एक्चुअल रोड पे हम लोग जब ट्राई करेंगे तो और थोड़ा डिटेल में आपको अच्छे से पता चलेगा कि कैसे एग्जैक्टली करना है, हम लोग एक्चुअल जो सिचुएशन जब आती है तब हमें कैसे करना है ये. ठीक है, ओके, सो यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि स्पीड को 80 तक लेके जाने के लिए. थोड़ा सा आप देख रहे हो यहाँ पे क्राउड भी है, थोड़ा सा ट्रैफिक भी है, लेकिन देखते फिर भी ट्राई करते हैं, जितना हो सकता है उतना मैं ट्राई करूँगा. स्पीड तो 80 तक लेके जा सकता हूँ, लेकिन अर्जेंट ब्रेकिंग जो है वो मुझे देख के करना पड़ेगा, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है वो देखना पड़ेगा. ये 60 की स्पीड है, अब फिर से एक्सेलरेटर दूंगा, फिफ्थ गियर में है गाड़ी. ठीक है,
अब पीछे से कोई नहीं आ रहा है तो अब मैं ट्राई कर सकता हूँ, ये मेरी स्पीड है 80 तक, ये मैंने ब्रेक किया, गियर डाउन, स्पीड आ गया 40, गियर डाउन, स्पीड आ गया 30, और ये सेकेंड गियर, और ये स्पीड आ गई 20 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कितना क्विकली हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, कितनी क्विकली हम लोग गियर को स्पीड को कम कर सकते हैं। ओके, सो और एक बार हम लोग ट्राई करेंगे, और इस बार थोड़ा और एफिशिएंटली और क्विकली गियर शिफ्ट करूंगा, ठीक है। अब फोर्थ गियर पे हूँ और ये फिफ्थ गियर डाल दिया मैंने, स्पीड है अराउंड 70, अब स्पीड है अराउंड 80, ओके, ये 80 पे अभी कॉन्स्टेंट हूँ, और अभी मैं ब्रेक करूँगा 1, 2, 3, और ये 20 की स्पीड आ गई। आपने देखा कितना एफिशिएंटली हम लोग ने गियर डाउन किया। सो आपने देखा कितनी जल्दी हम लोग स्पीड को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 100% कार को स्टॉप नहीं किया, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न क्या था कि शार्प टर्न आता है तो कार को कंट्रोल कैसे करना है, और आई थिंक 20-30 की स्पीड में हम लोग इजीली कार को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि क्राउड भी था थोड़ा और ट्रैफिक भी था, तो उसकी वजह से मैंने 100% एफर्ट्स नहीं डाला जितना हम लोग एक्चुअल सिचुएशन में एफर्ट्स डालते हैं कि बस गाड़ी रुक जानी चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना है, बस वो 100% मैंने एफर्ट्स नहीं डाला, क्योंकि मेरा पॉइंट वही था कि आपको सिर्फ पता चलना चाहिए कि करना क्या है और कैसे करना है, तो वो बस मुझे एक्सप्लेन करना था, और आई होप आपको वो पता चल गया होगा। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत मैटर करता है, क्योंकि माइंड को अगर स्टेबल रखोगे सिर्फ तब आप रिएक्ट कर पाओगे, जो भी मैंने बताया वो कर सकोगे। अगर पैनिक हो जाओगे तो क्लच की जगह पे ब्रेक दबेगा, ब्रेक की जगह पे एक्सेलरेटर प्रेस होगा, तो जो भी हम लोग ने डिस्कस किया इसका कोई पॉइंट नहीं है, फिर कोई सेंस नहीं बनता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज़ करना है, अगर एक्सीडेंट वाली सिचुएशन है, आपको लग रहा है कि एक्सीडेंट हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, सिर्फ तब ये यूज़ करना है, क्योंकि बहुत एडवांस टेक्निक है ये, जो भी मैंने बताया बहुत एडवांस चीज़ है। तो अगर आप बिगेनर हो तो पहले प्रैक्टिस करो, डायरेक्टली फोर्थ गियर की जगह पे सेकेंड गियर अगर पड़ गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। और आई होप ये जो भी मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ड्राइव सेफ एंड ड्राइव रिस्पॉन्सिबली।